प्रधानमंत्री जी ने जो सभी देश के सभी जनता को आह्वान किया है जनता का कर्फ्यू करने के लिए, इसका मतलब सेल्फ आइसोलेशन और सभी लोगों ने घर में रुकना चाहिए, एक्सक्लूडिंग जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो इसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, हेल्थ, फायर, पुलिस और अदर इसेंशियल सर्विसेज के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको वो लोग अलर्ट पे रहेंगे या काम पे रहेंगे। इसके अलावा जिसको इमरजेंसी नहीं है या कोई इसेंशियल सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है वो लोग घर के बाहर ना निकले कल से सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। तो ये इंस्ट्रक्शंस सभी क्लियर है। इसके अलावा गवर्नमेंट के भी जितने भी व्हीकल्स हैं वो अननेसरी अप्लाई नहीं करना है एक्सेप्ट पुलिस, हेल्थ और अदर इसेंशियल सर्विसेज में जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का इन्वॉल्वमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन की व्हीकल्स भी इसमें इन्वॉल्व है कि जिनको जिनकी जिस व्हीकल्स की ज़रूरत नहीं है वो अननेसरी अप्लाई नहीं करना है। इसके अलावा कोरोना वायरस का स्प्रेड वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड करने के लिए हमने कई सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए हैं। आईईसी एक्टिविटी सभी जगह पे चल रहा है, इसके अलावा सैनिटाइजेशन एक्टिविटीज़ भी चल रहा है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईसीपी सभी जगह पे स्क्रीनिंग भी हो रहा है थर्मल स्कैनर्स की हेल्प से। वहाँ पे हमने डेडिकेटेड डॉक्टर्स का भी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे किया है और अभी तक हमने 50 केसेस को होम क्वारंटाइन के लिए रखा है। होम क्वारंटाइन का मतलब है कि वो केसेस ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, हम सभी लोगों को सस्पेक्टेड केसेस नहीं बोल सकते जब तक वो साइंस एंड सिम्टम्स ना दिखाए, उनको होम क्वारंटाइन में ऑब्जर्वेशंस में रखा है। सपोज क्वारंटाइन में रखने के बाद अगर किसी को फीवर, कफ, कोल्ड, स्नीजिंग इस टाइप के सिम्टम्स डेवलप होंगे दैट मीन्स दे आर सस्पेक्टेड और उसके बाद उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अगर उसमें वो पॉजिटिव होता है कोविड वायरस के लिए तो उसको पॉजिटिव केस डिक्लेयर किया जाएगा। और इसके अलावा होम क्वारंटाइन हमने जिनको किया है सभी लोगों को होम क्वारंटाइन का गाइडलाइंस दिया है जिसमें जो व्यक्ति है उसने मास्क यूज़ करना चाहिए, हैंड वॉशिंग फ्रिक्वेंटली करना चाहिए, अगर उसको साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप करते हैं तो इमिजिएटली हेल्थ वर्कर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। इसके अलावा हमने जितने भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ है वो रूटीनली दिन में 2 बार इन लोगों से फीडबैक लेते हैं साइंस एंड सिम्टम्स के लिए। इसके अलावा उनको और भी किसी चीज़ की अगर आवश्यकता होती है, डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भी पॉजिटिव केस मिलता है तो उसमें नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसको बोलते हैं क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान। ये क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान हमने ऑलरेडी रेडी किया है, इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं पुलिस, ट्रैफिक, एसडीएम, इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट जिनका रोल है, तो कोई जो भी सस्पेक्टेड जो भी पॉजिटिव केस मिलेगा उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगा जिसमें रैपिड रिस्पॉन्स टीम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सपोज जो व्यक्ति पॉजिटिव है पिछले 5 दिनों में वो व्यक्ति कितने लोगों से मिला तो उन लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगा, वो लाइन लिस्टिंग बनाया जाएगा। सपोज वो पॉजिटिव व्यक्ति अगर 10 लोगों से मिलता है तो 10 लोगों को भी ऑब्जर्वेशंस में रखा जाएगा, उस व्यक्ति का घर आइसोलेट किया जाएगा, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाएंगे जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो सकता है। ये 3 किलोमीटर के रेडियस में ये सारा एक्टिविटीज़ इम्पोज किया जाएगा। इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव सर्विलेंस हेल्थ वर्कर्स वहाँ पे करेंगे, इससे कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हमें बेनिफिट मिलेगा। तो अभी तक हमें कोई भी पॉजिटिव केस मिला नहीं है, इसलिए मैं सभी लोगों को अनुरोध करूँगा कि पैनिक अननेसरी नहीं करना है, सभी लोग अलर्ट रहे। जो भी त्रिपुरा सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट और भारत सरकार से इंस्ट्रक्शंस दिया है वो केयरफुली फॉलो करें, अननेसरी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सभी लोग इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं तो इसमें मुझे लगता है कि कोरोना का स्प्रेड हम रोक सकते हैं, अननेसरी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर कोई पॉजिटिव केस मिलता भी है तो उसको ट्रीटमेंट कैसे देना है, क्लस्टर कंटेनमेंट कैसे करना है, इसके सारे प्रिपरेशंस हमारे साइड से ऑलरेडी, हमारे जो स्टेक होल्डर्स है उनको हम कोरोना को रोकथाम करने के लिए जो भी आवश्यकता है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। इसके अलावा जनता का कर्फ्यू जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है सभी लोगों को जिससे कोरोना का रोकथाम होगा उसको भी किस तरीके से बेटर वे से हम लोग सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला है कि जो हमारे इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पुलिस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनको हम चीयर अप करें, उनको हम मोटिवेट रखें ताकि ये जो पैंडेमिक ग्लोबल पैंडेमिक जो डिक्लेयर किया है WHO वो हमारे स्टेट में और हमारे पूरे देश में हम उसको रोक सकते हैं। थैंक यू।